हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं गेहूं के आटे का बहुत ही शानदार हलवा, जिसे बनाने के लिए बहुत ही कम चीजों की जरूरत पड़ती है और ये इतना ज्यादा टेस्टी और शानदार होगा कि कोई इसे जान ही नहीं पाएगा कि आपने इसे गेहूं के आटे से बनाया है। कुछ टिप और ट्रिक दूंगी, अगर आप इसे फॉलो करेंगे तो आपका रिजल्ट काफी अच्छा आएगा और आपका हलवा बहुत दानेदार, बहुत ही परफेक्ट बनकर रेडी होगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन करेंगे ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलेगी सबसे पहले। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज शेयर जरूर करिएगा। तो फ्रेंड, हमने लिया है 150 ग्राम गेहूं का आटा। ये नॉर्मली आटा जिससे हम रोटी बनाते हैं। बस करना क्या है, आपको इसे महीन कपड़े से छान लेना है। तो इस तरह से छना हुआ आटा लेना है और इसे एक बड़े साइज के बर्तन में हम डालेंगे। तो इस तरह से देखिए, हम अपना आटा डाल देते हैं और अब इसमें हमें डालना है घी। तो फ्रेंड, एक बड़ा चम्मच घी डालना है इस तरह से, और गर्म होना चाहिए आपका घी, काफी अच्छे से जलता हुआ घी होना चाहिए। और अब इसे हम हल्का हल्का सा डालकर इसे मिलाएंगे और इसे अच्छे से मोवन लगाएंगे। जैसे हम आटा लगाते हैं पूड़ी के लिए, उसी तरह से हमें इसे मसलना है दोनों हाथों से इस तरह से। ये टेक्निक आपको जरूर फॉलो करनी है, इसी से आपका आटा जो है दानेदार होगा और इसी से जब हलवा बनेगा तो दानेदार। तो इस तरह से मसलते हुए आपको कंटिन्यू इसे मिक्स करना है। तो इस तरह से आटा हमें मिक्स करने में 1 से 2 मिनट लगेंगे और अच्छे से मसलना है, दोनों हाथों का प्रयोग करना है। देखिए इस तरह से, तो ये देखिए हमारा आटा अच्छे से हो गया है। और अब इसे हमें छोड़ देना है लमसम 5 मिनट पे, क्योंकि हमने जो घी डाला था वो गर्म था और आटे में अब हमारा जो घी होना चाहिए जमना चाहिए। तो इसे हम 5 मिनट का रेस्ट देंगे और तब तक अपने हाथों को कर लेंगे क्लीन, फिर हम बनाएंगे शानदार हलवा जो बहुत ही ज्यादा सर्दियों में टेस्टी लगता है खाने में। चलिए हाथों को वॉश कर लेते हैं, तब तक इसे रख देंगे। तो फ्रेंड, 5 मिनट हो चुके हैं, आटा हमारा अच्छे से देखिए दाने दानेदार हो चुका है और ये एक कटोरी था। और इस तरह से करने से आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा और इससे ही आपका हलवा दानेदार होगा, तो रखना जरूरी है। तो चलते हैं गैस की तरफ और बनाते हैं सुपर टेस्टी नाश्ता यानी हलवा। चलते हैं गैस की तरफ। तो फ्रेंड, आ गए हैं गैस की तरफ और हमने रखा है पैन। बर्तन कोई भी इस्तेमाल कीजिए, वो हैवी वेट होना चाहिए ताकि आपका आटा जले ना यानी बर्न ना हो। तो इस तरह से हम अपने आटे को ट्रांसफर कर देंगे। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो होना चाहिए और डालते समय आपको ख्याल ये रखना है कि एक साथ सारा डाल देना है। और अब हमें एक चम्मच की सहायता से आटे को अच्छे से भूनना है। तो देखिए इस तरह से, और आटे का जो कलर है वो चेंज होना चाहिए। तो चलिए धीमी धीमी आंच पर कम से कम 3 से 4 मिनट हम इसे भूनेंगे। तो फ्रेंड देखिए, आटे का रंग चेंज होना शुरू हो चुका है और इस तरह से हम कंटिन्यू चलाते रहेंगे, क्योंकि आटा बहुत जल्दी बर्न हो जाता है। तो इसीलिए आपको हाथ को नहीं रोकना है और 3 से 4 मिनट आपको हाथ की मेहनत का प्रयोग करना है और इसे कंटिन्यू चलाते रहना है। और जो पैन होना चाहिए वो आपका हैवी वेट होना चाहिए ताकि बर्न ना हो। तो इस तरह से देखिए, आटे का कलर होना चेंज हो गया है यानी कलर चेंज होना शुरू हो चुका है। तो फ्रेंड देखिए, आटे का कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है और आटा हमारा कितना दाने दानेदार हो गया है, ये फायदा होता है घी लगाकर रखने का। तो अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे। तो इसे भूनने में आपको कम से कम 3 से 4 मिनट लगेंगे, कंटिन्यू चलाना है और गैस का फ्लेम लो होना चाहिए। तो देखिए आटे पे अच्छा सा कलर आ गया है और अब हम इसे इसके अंदर रख लेंगे और ठंडा करेंगे। तो चलिए ट्रांसफर कर लेते हैं। तो फ्रेंड, इस तरह से ट्रांसफर कर लिया, अब इसे हम ठंडा होने का वेट करेंगे और गर्म इस्तेमाल नहीं करना, ठंडा हो जाने देना है, तब तक का वेट करना है। तो फ्रेंड देखिए, अच्छे से ठंडा हो चुका है अब ये। तो अब चलते हैं गैस की तरफ, बनाना शुरू करते हैं हलवा बिल्कुल दानेदार। तो चलिए कुछ टिप और ट्रिक दूंगी, उस तरह से अगर आप बनाएंगे तो आपका हलवा बिल्कुल दानेदार होगा। तो चलते हैं गैस की तरफ। तो फ्रेंड, आ गए हैं गैस की तरफ और हमने एक पैन रख दिया है। अब इसमें हम डालेंगे 1 छोटा कप पानी, ज्यादा पानी नहीं डालना है। और आप इसे चाहें तो शुगर में यानी चीनी में बना सकते हैं यानी शक्कर में, लेकिन मैं इसे बनाने वाली हूँ गुड़ से, क्योंकि गुड़ से बना हलवा बहुत ज्यादा सेहतमंद होता है और चीनी सेहत के लिए फायदेमंद नहीं होती है। तो इस तरह से हम इसके अंदर डाल देंगे अपना सारा का सारा जो हमारा 50 ग्राम है, इसको हमने ग्रेट करके लिया है। आपको भी ग्रेट करके लेना है ताकि ये अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो 50 ग्राम हमने लिया है, बहुत ही ज्यादा इनफ है ये। अगर आप ज्यादा मीठा खाते हैं तो आप 100 ग्राम कर सकते हैं, लेकिन 50 ग्राम एक कटोरी के लिए ठीक है। तो इस तरह से हमने डाल दिया। अब हम गैस के फ्लेम को हाई रखेंगे और इसको अच्छे से मेल्ट होने का वेट करेंगे। फ्रेंड, इस तरह से देखिए, ये अच्छे से घी मेल्ट हो चुका है यानी गुड़ मेल्ट हो चुका है। तो अब इसमें हम थोड़ा सा घी डालेंगे लमसम 1/4 चम्मच ताकि ये चिपके ना। तो इससे डालने से बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा और हम घी डालकर इसको भी अच्छे से इसमें मेल्ट होने देंगे। और अब हम इसको इसकी चाशनी रेडी करनी, चाशनी किस तरह से रेडी होनी चाहिए मैं आपको बताऊंगी। तो इसे कंटिन्यू चलाते रहिए 3 से 4 मिनट तक। तो फ्रेंड, 3 से 4 मिनट के बाद आप इसको लीजिए और इस तरह से छुइए, अगर हल्की सी चिपचिपाहट महसूस हो रही है तब तक आपको वेट करना है। अगर चिपचिपाहट नहीं महसूस हो रही तब तक, अगर चिपचिपाहट महसूस हो रही तो गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। और देखिए 3 से 4 मिनट बाद हमारी जो चाशनी है वो डन हो चुकी है
और इसे हम कंटिन्यू चलाते रहेंगे क्योंकि ये बर्न बहुत जल्दी हो जाती है। और कलर हमें कोई भी डालने की जरूरत नहीं क्योंकि गुड़ का जो कलर है वो इतना ज्यादा सुनहरा कलर होता है कि उसी से हलवा बहुत ही ज्यादा देखने में सुंदर लगेगा। तो इस तरह से देखिए टच कर रहे हैं, हल्की सी चिपचिपाहट महसूस हो, ना एक तार ना दो तार। और अब हमने जो आटा तैयार करके रखा था वो हम थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे इस तरह से और इसे मिक्स करते जाएंगे, एक साथ नहीं ऐड करना है इस तरह से, और बराबर कंटिन्यू चलाते जाएंगे। और अभी देखिएगा कि ये बिल्कुल दानेदार हो जाएगा। और अब हम बाकी बचा आटा भी इसके अंदर डाल देंगे। तो फ्रेंड देखिए सारा मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और इस तरह से देखिए हमारा हलवा कितना अच्छा रेडी हो चुका है। और अब इसमें हम डालेंगे बादाम जो हमने इस तरह से ग्रेट करके रखे हैं और ये हम डाल देंगे। आप इसमें काजू भी डाल सकते हैं और इसे हम मिक्स कर लेंगे। और अभी हम जब ये ठंडा हो जाएगा तो बिल्कुल दाने दानेदार होगा। तो देखिए हमारा जो हलवा है वो कितना दानेदार है देख सकते हैं आप लोग। और अभी मैं इसे सर्व करूंगी तो आप लोग देखकर हैरान हो जाएंगे कि इतना दानेदार है। तो इस तरह से हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और जब पैन छोड़ने लगे तो समझ जाइए आपका हलवा डन हो चुका है और मेरा हलवा बनकर रेडी हो चुका है। अब मैं इसे निकालती हूँ। तो फ्रेंड ये देखिए हमारा गेहूं के आटे का बिल्कुल दानेदार हलवा बनकर रेडी हो चुका है। कोई भी नहीं जान पाएगा कि आपने इसे गेहूं के आटे से बनाया है। बिल्कुल रवेदार लग रहा है, यानी रवे का हलवा लग रहा है और एकदम परफेक्ट दानेदार बना है। और कलर देखिए कितना खूबसूरत आया है और गुड़ से बनाया है तो बहुत ज्यादा टेस्टी है, हेल्दी है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन करेंगे ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलेगी सबसे पहले। और ये दानेदार हलवा आप अपने फैमिली वालों को खिलाएंगे तो सभी का प्यार पाएंगे। और आप इसमें और भी ड्राई फ्रूट यूज कर सकते हैं जैसे बादाम, पिस्ता, काजू, जो भी चाहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।